नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आर्यभट्ट कॉलेज चांचेवास के विद्यार्थी कॉपियों की रीचेकिंग की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्टर का अधिकतर विद्यार्थियों के आई सभी सब्जेक्ट में बैक कॉपियां सही से नहीं हुई चेक। आज रीचेकिंग की मांग को लेकर आर्यभट्ट कॉलेज चांचेवास के विद्यार्थी कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी पीड़ा प्रकट की। विद्यार्थियों ने कहा कि कॉलेज में अधिकतर छात्रों के 8 में से 9 सब्जेक्ट में बैक लगी है, वहीं कई छात्र केवल ग्रेस लेकर पास हुए हैं। इनका कहना है कि कॉपियां सही से चेक नहीं की गई। इसको लेकर उन्होंने कॉलेज के द्वारा जोधपुर विज्ञापन भिजवाया था। कॉपी चेक कराने के 1000 रुपये लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद सही से कॉपियां चेक नहीं की जा रही। इस वजह से छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है। मन में ज्ञापन देने आए हैं और किससे मिलना है? सर, मेरा नाम विष्णु चावला, आर्यभट्ट कॉलेज से एग्जाम के कंप्लेन के लिए आए हैं। सर, हमने जोधपुर भेजी थी, हमारा ये जोधपुर भेजी थी हमने ज्ञापन, कॉपी सही से चेक नहीं हो रही है। सर, हमारे कॉलेज के थ्रू शिक्षा मंत्री जी को आज भी भेज दी हमने ये ज्ञापन, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपके थ्रू हमारे पास आया ही नहीं ज्ञापन कॉलेज के थ्रू। और सर, कॉपी भी सही से चेक नहीं हो रखी है। हम जाके देख के आए जोधपुर, 1000 रुपये लेते हैं केवल देखने की आधी अधूरी कॉपी चेक हो रखी है, और हमारे कॉलेज वाले के थ्रू भी चल जा चुकी है ये ज्ञापन और बाकी कॉलेज के वहाँ के थ्रू। क्या चाह रहे हैं आप? कॉपी सही से चेक हुए सर, वापस कॉपी सही से चेक हुए, और अधिकतर बच्चे हमारे ही नहीं, अधिकतर बच्चे के ना यही बैग आ रखी है, 9-9 सब्जेक्ट में 8-8 के बैग आ रखी है, तो हमारी क्या पढ़ाई, हम पढ़ाई भी करते हैं लेकिन चल रही है। आर्यभट्ट कॉलेज चाचियावास में कलेक्टर ऑफिस के पास गए सर, आज भी ज्ञापन लेके आ गए। और सर, मतलब कि 100 से अधिक बच्चों के सर बैग चल रही है, हमारे 1-2 बच्चे निकले उनके भी ग्रीस लगी हुई है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से सामान्य ज्ञान का एग्जाम आयोजित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ एग्जाम। अजमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 48 विद्यों में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्रों को लेकर एग्जाम किया गया। सामान्य ज्ञान एग्जाम के चलते छात्रों से सामान्य ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिशन देने का अनुभव इन्हें मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अजमेर की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 10वीं छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 92 छात्रों ने इसमें भाग लिया। अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़े प्रश्न पत्र में शामिल किए गए एग्जाम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्रों को स्कूल स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जी मैम, क्या कार्यक्रम किया गया और कौन से स्कूल में किया और किसके द्वारा? अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अजमेर के 48 विद्यालय में आज ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पेपर है, जो लगभग आधे पौन घंटे का पेपर है, इसको आयोजित किया जा रहा है। मेरा विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रिश्चियनगंज है, यहाँ पर कक्षा 10वीं की छात्राओं ने इसमें भाग लिया है, सारी छात्राओं ने इसमें भाग लिया है, और ये जो इनके द्वारा एक पहल है, ये अच्छी पहल है। अचानक स्पॉन्टेनियस इन्होंने हमारे स्कूल में आकर के आज ही डिक्लेयर किया कि ये पेपर कराएंगे, और बच्चियाँ ने बड़े उत्साह से उसमें भाग लिया है। कितनी बच्चियों ने भाग लिया? 92। किसके द्वारा होगा ये? अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, आपका नाम बता दो। मंजू चैनानी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रिश्चियनगंज अजमेर। दरगाह थाना क्षेत्र में 18 सटोरी गिरफ्तार, मौके से पुलिस ने बरामद किए 15,500 रुपए, पूछताछ जारी। कल शाम दरगाह थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दरगाह थाना क्षेत्र में खाई वाली पर सट्टा खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और वहां से 18 सटोरियों को गिरफ्तार किया और थाने लाया गया, जिनसे 15,500 भी बरामद किए गए। वही सट्टा किसके द्वारा संचालित है उसको लेकर सटोरियों से पूछताछ जारी है। आज करीब 18 आदमियों को सट्टे की खाई वाली और लगाई वाली करते हुए, सट्टे के अंकों पर खाई वाली लगाई वाली करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शक की जगह सट्टा चल रहा किसका था? ये दरगाह के क्षेत्र में चल रहा था और अलग अलग लोग हैं जिसके बारे में वो उनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह का सट्टा था सर ये? एक जो लॉटरी के अंक हैं उन पे पर्चियां काट काट के लगाए वाले करते हैं और खा वाले करते हैं। कुत्ते को भगाने के चक्कर में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, गंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 से 51 में किया पाबंद। कल दरगाह थाना क्षेत्र के सलीम नामक युवक द्वारा गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उनके गेस्ट हाउस में राहुल किशन और उनके साथी घुसे और उनके साथ मारपीट की। दरअसल कल सलीम द्वारा कुत्ते को मार के वहां से भगा दिया गया था, जिसके बाद मोहल्ले के ही राहुल और किशन ने सलीम के साथ घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद गंज थाना पुलिस ने दोनों को 151 में पाबंद किया है। मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें सीसीटीवी सामने आया था घर में घुसकर किसको गिरफ्तार किया। कल दिनांक 27/11/19 को सलीम नाम के व्यक्ति, जो कि डायमंड गेस्ट हाउस चलाता है, उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि मोहल्ले के राहुल और किशन और उसके साथियों द्वारा मेरे घर में घुसकर मारपीट की गई मेरे साथ, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया।
आज राहुल को और किशन को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या कारण था मारपीट का? कुत्ते की बात को लेकर कोई झगड़ा होना बता रहा है, कोई गली का कुत्ता था तो सलीम द्वारा कुत्ते के साथ मारपीट कर दी बताया, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। 2 किलो गांजे के साथ अंदरकोट निवासी युवक गिरफ्तार, गंज थाना पुलिस को सौंपी गई कार्रवाई। कल दरगाह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंदरकोट से अखिल मोहम्मद नामक युवक को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्रवाई गंज थाना पुलिस को सौंपी गई। गंज थाना पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है कि वह ये मादक पदार्थ कहां से लेकर आया था और कहां पर बेचना चाहता था। कल दिनांक 27/11/2019 को दरगाह पुलिस द्वारा अखिल मोहम्मद नाम के व्यक्ति जो कि अंदरकोट का निवासी है के कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त किया था, इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मेरे नाम किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है, इस संबंध में पता किया जा रहा है कि माल कहाँ से आता है, कहाँ देता है। सर कहाँ से पकड़ा था इसको? और दरगाह पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। सर और भी कोई लोग शामिल हैं? शिव इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर कोर्ट की कार्रवाई, दुकान मालिक को फिर मिली अपनी दुकान। श्रीनगर रोड से दाताइन होटल के सामने शिव इलेक्ट्रॉनिक्स को आज कोर्ट के जरिए खाली कराई गई। मकान मालिक जानकी देवी पत्नी नथरमल धनवानी ने बताया कि हमने ये दुकान राजेंद्र श्रीवास्तव ईओ पर, राजेश श्रीवास्तव को ईओ किराए पर दी थी। वह 7 साल से अजमेर से चला गया, उसके बाद उसके भाई ने दुकान पर कब्जा कर रखा था। जानकी देवी ने बताया कि हमने एडवोकेट टेबल दुलानी के जरिए केस दर्ज कराया जो हम हाई कोर्ट से जीत गए। इनको दुकान 1 अक्टूबर को खाली करनी थी जो हमने आज कोर्ट के जरिए खाली कराई। हमारे 30 साल ही हो गए इनको। अच्छा, देखते हुए हमने 86 में दी थी इसको, 85-86 में इस तरह से दी थी। आप बताइए किसकी दुकान दी थी हमने, काई के है? ये इसके लाइट वाले को दी थी, पर इसके भाई को दी थी, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को। अब वो तो पैसे तो वो भी आता जाता था, इन छोटे छोटे इनके दोनों भाई थे, तीनों भाई थे। इसके बाद वो चला गया, पता नहीं कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। अब ये बैठ गए, फिर ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते थे। हम कहते थे भाई तू भी मेरा बेटा है, ये भी दोनों मेरे बेटे हैं, क्यों करता है? फिर बाद में इन्होंने नहीं करा तो हमने ये 1912 में हमने केस करा। अब ये 18 में हमने जीत लिया, 1.5 साल इसको मुद्दा मिला था हाई कोर्ट से, यहाँ से दोनों कोर्टों से जीते। फिर इसे स्टेज भी लगाया, वो भी हम जीत गए। अब ये कुर्की आई है, 20 तारीख को इसका मिल गया था कि भाई ये कुर्की का आर्डर हमको 28 को मिल गया था। अब इसको हमने इसके मैसेज भेजते थे किसी के थ्रू कि भाई भले सामान ले जाए। एक दिन आया, थोड़ा बहुत सामान जो बढ़िया बढ़िया था किसी शादी में लगाना था तो लेके गया। हम तो समझ रहे थे, टेम्पू भी लेके आया कि भाई अच्छा है, भगवान ने हमारी सुनी तो ये खाली कर रहा है, भले कुर्की वाले भी आए तो हम पैसे भरेंगे भी। तो उसके बाद भी ये नहीं आया। आज क्या हुआ? आज कुर्की वाले आए तो वो नहीं आया? वो आज भी अभी बुलाने गए हैं, अभी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अब जब आए, जब देखो आप भी, ये बात है। क्या नाम है इसका दुकान? इसके दुकान वाले का तो वो राजेंद्र को दी थी, इसका प्रमोद पप्पी के नाम से ये अपने को चलाता था। इसके दोनों भाई छोटे हैं जो अनूप और वो शंकर था, और ये कहता था भाई हमारा भाई है, हमारा हक है, हमारे वो है ये है। और भाई को कैसे मिलेगा? कल को बहन भी बोलेगी मेरा भी हक है, फिर किस किस का हक होगा? जिसको हमने दिया है कितने टाइम से कब्जा, इसने तो कब्जा जब से ये कब्जा ही है और क्या है, ये 15-20 साल हो गए इसको कब्जा करे हुए। ये कहता है मेरा ही हक है, ऐसे ही रोज बोलता था मर के निकलूँगा और मार के निकलूँगा, मर के निकलूँगा। ये तो अकेला ही है, नहीं बीबी है, नहीं बच्चे हैं, शादी भी करी वो बीबी। मेरे नाम पर दुकान है, जानकी देवी नथुरमल धनवानी के नाम से, जानकी देवी नथुरमल धनवानी के नाम से है मेरी दुकान। तो हाँ बताइए क्या मामला है? आज ये हमारी दुकान जो 27 साल से हमने किराए पे दे रखी थी राजेंद्र जी, राजेंद्र श्रीवास्तव को, वो तो करीब 7-8 साल से यहाँ पे नहीं है, अजमेर छोड़ चुका है, उसके भाइयों ने कब्जा कर रखा था। तो हमने एडवोकेट टेहल बुलानी जो कि अजमेर कांग्रेस 6 बार पीपी भी रह चुके हैं कांग्रेस में, उनके जरिए हमने ये केस इनका किया था। जो अजमेर के अलावा हमने हाईकोर्ट से भी केस जीत लिया, हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2019 को इसको खाली करने के लिए जाता था, इसलिए खाली नहीं कर रहा था। उसके बाद इसने 2 बार हाई कोर्ट पे भी अपील लगाई, उस पर भी खारिज हुई। आज हमने न्यायालय के जरिए, कोर्ट के जरिए और एडवोकेट थाने के जरिए हमने ये कार्रवाई करके आज खाली कराई है, जिसमें नाजिर राजेश जी और दरोगा साहब रामकिशन जी और जाप्ता आए हैं, और ये कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट टेल वाली ने केस जिताया हमारे को। किसकी थी दुकान? ये है हमारी माता जी है, जानकी पत्नी श्री नथुरमल धनवानी, उनकी थी, जो ये 27 साल से किराएदार था और 5 साल केस चला हमारा। जो किराएदार कौन था? राजेंद्र, उसके भाई प्रमोद ने कब्जा कर रखा था। राजेंद्र अजमेर से 8-9 साल से चला गया है, उनको भी घर से भगा दिया था, प्रमोद ने कब्जा करके बैठा था, उस पर हमने कार्रवाई कराई है।
सोना धनवानी, कांग्रेस महासचिव। दरगाह सीआईडी ने बांग्लादेश युवक को पकड़ा, संदिग्ध लोगों की चेकिंग के तहत मिली कामयाबी। दरगाह इलाके में पहचान छिपाकर रह रहे बांग्लादेश युवक को सीआईडी जोन के अधिकारियों ने पकड़ा है। सीआईडी जोन के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह भाटी के निर्देश पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग के तहत कामयाबी मिली है। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी 25 वर्षीय रुबिल शेख बांग्लादेश के पीरगंज ठाकुर गांव जिले का मूल निवासी है। ये करीब 6 दिनों से दरगाह इलाके में खानाबदोश की तरह रह रहा था। खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर अपनी मूल पहचान छिपा रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले वे हिली बॉर्डर अवैध रूप से पार कर भारत में घुसा था और कोलकाता में रहने के बाद वह 6 दिन पहले अजमेर पहुंचा था। सोफिया कॉलेज में 3 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। अजमेर के सोफिया कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी के द्वारा 3 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सिर्फ अजमेर की सोफिया कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 25 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा की गई। डिपार्टमेंट हेड मोनिका करण ने बताया कि पूरे भारत में इस तरह के 7 जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिर राजस्थान में अजमेर की सोफिया कॉलेज को ये मौका दिया गया। जी मैम, किस संबंध में ये प्रोग्राम रखा गया था और क्या टॉपिक था, उस टॉपिक का मतलब क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी सोफिया गर्ल्स कॉलेज में एक 3 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इस प्रोग्राम के लिए राजस्थान से 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उन्हें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक्स के बारे में अवगत किया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में सोफिया कॉलेज का ये डिपार्टमेंट एकमात्र संस्था है जो पूरे राज्य में एक ही जगह पर जहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस तरीके का प्रोग्राम भारत में 7 चयनित स्थानों पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो आज टॉपिक पर बात की गई, क्या बातचीत रही उसमें? देखिए, आज के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी, जो मेंबर आरपीएससी हैं। उनका भी यही इसी बात पे जोर देना था कि आजकल की हमारी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजीज़ का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण डेटा संकलन या डेटा के टैबुलेशन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अगर हम इन टेक्निक्स को अपने सभी डिपार्टमेंट्स, इरिगेशन, माइंस, फॉरेस्ट्री, सॉइल्स या शैक्षिक विभाग, इन सब में अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो भारत और तरक्की कर सकता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मोनिका कनन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी सोफिया गर्ल्स कॉलेज। समाज सेवी रात में जरूरतमंदों की कर रहे हैं सेवा, ताकि रात को कोई भूखा ना सोए। जरूरतमंदों में समाज सेवा का कोई समय नहीं होता है, जब चाहे तब जरूरतमंदों की सेवा की जा सकती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात। ऐसे ही कर रहे हैं सोना धनवानी, शैलेश गुप्ता, दिनेश के शर्मा, नरेश सत्यावान, आलोक शर्मा एडवोकेट, रोशन मित्तल, ये सब कांग्रेस सहित कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सोना धनवानी ने बताया कि हम सब अपने काम धंधों से फ्री होकर रात्रि में चाय बिस्कुट व भोजन सामग्री लेकर रेलवे स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल व झुग्गी झोपड़ी में चाय बिस्कुट व भोजन सामग्री गरीब व जरूरतमंदों में बांटते हैं, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए। हाँ बताइए, रात को किस तरह से? देखिए सर, नर सेवाएं, नारायण सेवाएं, हम रोज़ रात को हम 6-7 जने, शैलेश जी, सोना धनवानी, नरेश सत्याना, आलोक शर्मा, दिनेश के शर्मा, हरीसेन, ये 7-8 जने हम रोज़ रात को अपने काम धंधों से फ्री होकर अजमेर के रेलवे स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू, झुग्गी झोपड़ी और जहाँ भी गरीब और बेसहाय लोग रहते हैं, उनको चाय, बिस्कुट, भोजन सामग्री फ्री उपलब्ध कराते हैं। हमारा मकसद ये है कि रात को कोई भी भूखा नहीं सोए, और ये कार्यक्रम हम लगभग 15-20 दिन से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम लोग रोज़ करीब 9 बजे निकलते हैं, जो 10-10:30 तक हमारा कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम 6-7 जने हैं। और ये कार्यक्रम जो संचालक है, मेन शैलेश गुप्ता जी है, उन्होंने ये टीम बनाई और हमें बताया, फिर हमें अच्छा लगा। हम रोज़ अपने काम धंधों से फ्री होकर कार्यक्रम करते हैं। सोना धनवानी, लोक महासचिव। कलेक्टर पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध। अनुसूचित जाति जनजाति ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आज अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर तले कलेक्टर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना शुरू कर दिया है और उन्हें बेचना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया, बीएसएनएल को बेचने जा रही है, भारतीय पेट्रोलियम को बेचने जा रही है, एयर इंडिया को बेचने जा रही है। सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य संकट में है और बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार ने कहा था कि वे देश को नहीं बिकने देंगे, लेकिन वे देश की सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं। इसके विरोध में आज कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया गया। आज हम ख्वाजा गरीब की पवित्र नगरी और ब्रह्मा जी की पवित्र नगरी के माध्यम से आज अजमेर जिले से इस बात की शुरू कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच के बैनर तले हम आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं और उससे अनुरोध कर रहे हैं कि आपने रेलवे का निजीकरण करके चालू कर दिया,
आपने BSNL को बेचना चालू कर दिया, आपने भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों को बेचना चालू कर दिया, एयर इंडिया को बेचना चालू किया, सैकड़ों कंपनियों को आप निजीकरण के नाम से बेच रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आके मैं लोग या दोबारा 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, 5 करोड़ में 10 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेरोजगारी के नाम से कोई भर्तियां नहीं खोली। हम ज्ञापन देके ये मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदय से कि ये निजीकरण बंद करें, क्योंकि रेलवे कर्मचारी BSNL के BP के ये कहाँ जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं को नौकरी देने की बजाय जो सरकारी कंपनी है वो बेची जा रही है। मोदी जी ने कहा था मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा, देश को नहीं बेचने दूंगा, लेकिन आज परिस्थिति उल्टी हो रही है। आज भारत की कंपनियां, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, उसको उसके हिस्सा राशि बेची जा रही है। तो हम निजीकरण के विरोध में उनका ध्यान आकर्षित कर यहाँ से एक अलग जगह रहे कि मोदी जी ये निजीकरण करना बंद करें, बेरोजगार लोगों को आप नौकरी लगाइए, वरना लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। चित्रमल टेपण, प्रदेश अध्यक्ष। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।